हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि आज मैं ग्वार की फली, जिसे हम दरारी की फली भी कहते हैं, तो उसे बना रहे हैं। सभी का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर मेरा बनाने का इसे अलग तरीका है, तो मैं यहाँ पर अपने तरीके से आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये कैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्वार की फली को अच्छे से धो लिया है, कट कर लिया है, और एक कढ़ाई में तेल डालकर यहाँ पर बहुत सारा लहसुन मैंने क्रश कर लिया है। अब इसमें मैं ग्वार की फली और हरी मिर्च दोनों को डाल दूँगी, और फिर अब इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। इसे मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनूँगी तेल के साथ। इस सब्ज़ी में तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, मसाले बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग मसाला होगा उतनी ही ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। आज इसे मैं यहाँ पर इसे रागी की रोटी के साथ सर्व करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्ज़ी थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे ढककर पकने दूँगी कम से कम 5 से 10 मिनट, और देखिए अब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब इसे मैं 1 से 2 मिनट खुला पकाऊंगी, जैसे हमारी दरारी की फली यानी कि ये जो सब्ज़ी है बहुत अच्छे से चटक जाएगी। फिर इसे मैं रागी की रोटी के साथ सर्व करूंगी। तो यहाँ पर आप मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं रागी की रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गेहूँ का आटा ले लिया है, और साथ ही उसमें मैंने रागी का आटा दोनों को मिक्स कर दिया है, और इसे मैं एक सॉफ्ट आटा लगा लूँगी, और फिर इसे मैं जैसे पानी की रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसके हाथ से मैं रोटी बनाकर आपको दिखाऊंगी। और ये बनकर बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। वैसे इसका स्वाद सबसे ज़्यादा मक्के की रोटी के साथ अच्छा लगता है, पर सच में इसके साथ भी बहुत मज़ा आता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।